हेलो एवरीवन, मैं दिशा चतुर्वेदी एक बार फिर से हूँ आप सबके साथ। और जॉब इवेल्यूएशन के टॉपिक को कंटिन्यू रखते हुए आज हम डिस्कस करेंगे उन मेथड्स को जिनकी सहायता से, जिनका यूज़ करके जॉब इवेल्यूएशन किया जाता है। जिन्होंने भी इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है वो पहले उसे देख लें और उसके बाद ही इस पार्ट को कंटिन्यू करें, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट है उसी से प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जिसके बाद सब कुछ समझना, सब कुछ याद रखना कई गुना ज़्यादा आसान हो जाएगा। लिंक जो है वो आई बटन में शो हो रहा है, सो फर्स्ट चेक दिस लिंक। तो अब आते हैं हम जॉब इवेल्यूएशन के सेकेंड पार्ट पर। जॉब इवेल्यूएशन का उद्देश्य जॉब की रिलेटिव वर्थ का पता करना होता है और सेम वर्थ की जॉब्स को सेम पे ग्रेड प्रोवाइड किया जाता है, यानी इक्वल वर्क के लिए इक्वल पेमेंट। जॉब इवेल्यूएशन कमेटी जॉब को इवेल्यूएट करती है और इसके लिए डिफरेंट मेथड्स से चुनाव करती है, डिसीजन लेती है कि कौन सा मेथड्स ज़्यादा सुटेबल रहेगा इस जॉब को इवेल्यूएट करने के लिए, और उसी का यूज़ करती है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब को इवेल्यूएट करने के लिए बेसिकली दो तरीके के मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। पहला है नॉन एनालिटिकल मेथड्स, जिसको नॉन क्वांटिटेटिव मेथड्स भी कहते हैं, और दूसरा है एनालिटिकल मेथड, जिसको क्वांटिटेटिव मेथड्स भी कहते हैं। नॉन एनालिटिकल मेथड में रैंकिंग मेथड और जॉब क्लासिफिकेशन मेथड आता है। जॉब क्लासिफिकेशन मेथड को ही ग्रेडिंग मेथड कहते हैं, जबकि एनालिटिकल मेथड्स में पॉइंट रेटिंग मेथड आता है। और जो दूसरा है दैट इज़ फैक्टर कंपैरिजन मेथड। फैक्टर कंपैरिजन मेथड को की जॉब मेथड भी कहते हैं। इन मेथड्स को समझने से पहले यदि हम नॉन एनालिटिकल और एनालिटिकल मेथड्स में डिफरेंस समझ लेंगे तो इनको समझना काफ़ी इजी होगा। जो नॉन एनालिटिकल या नॉन क्वांटिटेटिव मेथड्स होते हैं, ये वो मेथड होते हैं जिनमें पूरी की पूरी जॉब को किसी अन्य जॉब के साथ कंपेयर किया जाता है। इसमें जॉब के साथ में कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की जाती, मात्र उनको रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है। वैल्यू प्रोवाइड ना होने के कारण इनको नॉन क्वांटिटेटिव मेथड्स कहते हैं। जबकि जो एनालिटिकल या जिनको क्वांटिटेटिव मेथड्स कहा जाता है, इनमें जॉब्स को एज अ होल कंपेयर ना करके उनके डिफरेंट पार्ट, जिनको के की कंपनसेबल फैक्टर्स कहा जाता है, उसमें डिवाइड करते हैं। की फैक्टर्स देखे जाते हैं और उनके आगे उनकी वैल्यू असाइन करके जॉब की ओवरऑल वर्थ निकाली जाती है, ओवरऑल इम्पोर्टेंस निकाली जाती है। जॉब के की फैक्टर्स में वैल्यू असाइन होने के कारण इनको क्वांटिटेटिव मेथड्स कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रैंकिंग मेथड की, जो कि एक नॉन एनालिटिकल या नॉन क्वांटिटेटिव मेथड है। जो रैंकिंग मेथड है, रैंकिंग मेथड्स में सिंपली ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट जॉब्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया जाता है और कंपैरिजन के बाद में उनको रैंक दे दी जाती है। ये जॉब इवेल्यूएशन का सबसे सिंपल मेथड है, लेकिन ये उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल है जहाँ पर जॉब्स की संख्या कम होती है। अगर जॉब की संख्या काफ़ी ज़्यादा होगी, ऐसे केस में उनको रैंक देना, उनको एक दूसरे के साथ में कंपेयर करना काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है। इस मेथड में जो कंपैरिजन किया जाता है वो कुछ फैक्टर्स जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड फैक्टर्स होते हैं किसी जॉब के, जैसे कि जॉब की ड्यूटीज, जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिमांड ऑफ जॉब, कुछ इस तरीके के फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जॉब की इम्पोर्टेंस तय की जाती है। नेक्स्ट नॉन एनालिटिकल मेथड है जॉब क्लासिफिकेशन या फिर ग्रेडिंग मेथड। इसमें जॉब को क्लासिफाई किया जाता है ग्रेड्स में और उसके अकॉर्डिंग उनको रैंक दी जाती है। इस मेथड में जॉब्स को डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कंपेयर ना करते हुए पहले ग्रेड्स लेवल बनाए जाते हैं और उन ग्रेड्स में जो ग्रेड का डिस्क्रिप्शन होता है उसके अकॉर्डिंग जो भी जॉब फिट हो रही होती हैं उस ग्रेड लेवल में, उनको असाइन किया जाता है उस ग्रेड लेवल से। सेम ग्रेड लेवल में आने वाली जॉब्स को सेम वेजेस प्रोवाइड की जाती हैं या सेम रेंज में रखा जाता है। सो ये भी जॉब इवेल्यूएशन का काफ़ी ईजी मेथड है और ये रैंकिंग मेथड के मुकाबले लार्जर ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल रहता है जहाँ पर जॉब्स की संख्या ज़्यादा होती है। यहाँ पर ग्रेडिंग मेथड या क्लासिफिकेशन मेथड का एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, जिसमें डिफरेंट ग्रेड्स क्रिएट किए गए हैं। क्लासिफिकेशन के द्वारा डिफरेंट जॉब्स को इन ग्रेड्स में असाइन किया जाता है, दैट्स वाई इसको ग्रेडिंग मेथड या जॉब क्लासिफिकेशन मेथड कहा जाता है।
नॉन एनालिटिकल नॉन क्वांटिटेटिव मेथड्स कवर करने के बाद में अब बारी आती है एनालिटिकल मेथड्स की, जिन्हें क्वांटिटेटिव मेथड भी कहते हैं। इनमें सबसे पहला है पॉइंट रेटिंग मेथड। पॉइंट रेटिंग मेथड एक एनालिटिकल या क्वांटिटेटिव मेथड है। जैसे कि पहले ही बताया गया है, जो क्वांटिटेटिव मेथड होते हैं ये एक जॉब को दूसरी जॉब से कंपेयर ना करते हुए जॉब के ही क्रिटिकल फैक्टर्स डिसाइड करते हैं। सो पॉइंट रेटिंग मेथड में कंपनसेबल फैक्टर्स डिसाइड किए जाते हैं और उन्हीं के आधार पर जॉब का इवेल्यूएशन होता है। बेसिकली 6 स्टेप होते हैं पॉइंट रेटिंग मेथड को इम्प्लीमेंट करने के, जो कि जॉब इवेल्यूएशन कमिटी के द्वारा किया जाता है। सबसे पहले है क्रिटिकल फैक्टर को डिटरमाइन करना। ये क्रिटिकल फैक्टर क्या होते हैं, इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। जो कंपेंसिबल और क्रिटिकल फैक्टर डिसाइड किए गए हैं वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्किल, एफर्ट्स एंड वर्किंग कंडीशन। जो इनके अंदर ए बी सी डी करके दिया हुआ है, ये सब फैक्टर्स हैं उस क्रिटिकल फैक्टर के। सो फर्स्ट स्टेप में क्रिटिकल फैक्टर डिसाइड किए जाते हैं। सेकंड स्टेप में फैक्टर्स का लेवल डिसाइड किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर मिनिमम, लो, मॉडरेट एंड हाई लेवल डिसाइड किया गया है। थर्ड स्टेप में सब फैक्टर में पॉइंट एलोकेट किए जाते हैं। जो सब फैक्टर्स दिए गए हैं क्रिटिकल फैक्टर्स के अंतर्गत वो हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो क्रिटिकल फैक्टर डिसाइड किया गया है रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके अंतर्गत सेफ्टी ऑफ अदर्स, इक्विपमेंट्स एंड मटीरियल्स, असिस्टिंग ट्रेनीज एंड प्रोडक्ट एंड सर्विस क्वालिटी आदि जो हैं वो सब फैक्टर्स हैं। थर्ड स्टेप में इन सब फैक्टर्स का जो हाईएस्ट पॉइंट होते हैं उनको डिसाइड किया जाता है फैक्टर्स की इम्पोर्टेंस के आधार पर। कहीं पर 100 तो कहीं 80, कहीं 50, कहीं 180, कहीं पर 150, इस तरीके से सब फैक्टर्स के पॉइंट को उनकी इम्पोर्टेंस के आधार पर एलोकेट किया जाता है। जो फोर्थ स्टेप होता है वो होता है लेवल पर पॉइंट को एलोकेट करना, जो कि मिनिमम, लो एंड मॉडरेट लेवल हैं उन पर इन पॉइंट्स को एलोकेट किया जाता है। फोर्थ लेवल में जो फैक्टर हैं उनकी हाईएस्ट वैल्यू के आधार पर अन्य लेवल में पॉइंट्स को एलोकेट किया जाता है। इस तरीके से एक मैट्रिक्स तैयार की जाती है जॉब के लिए और उसके अकॉर्डिंग ही पॉइंट सिस्टम को अप्लाई करके जॉब को इवेल्यूएट किया जाता है। सो ये काफ़ी ऑब्जेक्टिव मेथड है जिसमें जॉब्स की रैंकिंग ना करके उनकी रेटिंग के आधार पर जॉब्स को इवेल्यूएट किया जाता है। नेक्स्ट एनालिटिकल क्वांटिटेटिव मेथड है फैक्टर कंपैरिजन या फिर की जॉब मेथड। ये जो मेथड होता है वो रैंकिंग मेथड एंड पॉइंट रेटिंग मेथड दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। यानी कि इस मेथड में की फैक्टर्स पर वैल्यू भी असाइन की जाती है, पॉइंट्स भी दिए जाते हैं, साथ साथ एक जॉब की दूसरी जॉब के साथ में रैंकिंग भी की जाती है। जिस तरीके से पॉइंट रेटिंग मेथड में कंपेंसिबल फैक्टर्स डिसाइड किए जाते हैं, उसी तरीके से इस मेथड में भी कंपेंसिबल फैक्टर डिसाइड किए जाते हैं। बट ये यूनिवर्सल फैक्टर्स डिसाइड होते हैं, जो कि टोटल 5 फैक्टर्स के बेसिस पर रेटिंग होती है, जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्किल, मेंटल एफर्ट, फिजिकल एफर्ट एंड वर्किंग कंडीशन। दूसरा जो स्टेप है इस मेथड में वो है की जॉब को डिसाइड करना। की जॉब को डिसाइड करने की वजह से ही इस मेथड का नाम की जॉब मेथड भी कहलाता है। की जॉब्स क्या होती हैं? जो फैक्टर कंपैरिजन मेथड होता है वो ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री की कुछ मेन जॉब्स को एक बेंचमार्क के रूप में सेलेक्ट कर लेता है। कहीं कहीं पर 10 से 15 या 15 से 20 के बीच में इन की जॉब्स को सेलेक्ट किया जाता है। यहाँ पर एग्जांपल के लिए 3 की जॉब्स को सेलेक्ट किया गया है, जैसे कि सुपरवाइजर, इलेक्ट्रीशियन एंड असिस्टेंट। प्रेजेंट वेजेस के अकॉर्डिंग की जॉब्स में पॉइंट्स का एलोकेशन कर दिया जाता है। जैसे कि सुपरवाइजर की प्रेजेंट वेजेस के अकॉर्डिंग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्टर आता है दैट इज़ 3.40, इलेक्ट्रीशियन के लिए 1.80 एंड असिस्टेंट के लिए 1.40 है। इस तरीके से जो प्रेजेंट सिचुएशन होती है की जॉब्स की, उसके अकॉर्डिंग फैक्टर्स में वैल्यू को असाइन कर दिया जाता है। इसके बाद में एक फैक्टर कंपैरिजन चार्ट बनाया जाता है। जो फैक्टर कंपैरिजन चार्ट होता है उसमें 0 से लेकर जो भी हाईएस्ट वैल्यू है उसको कवर किया जाता है। उसके बाद में जो क्रिटिकल फैक्टर्स हैं उनको पॉइंट आउट करके जितनी भी की जॉब्स हैं उनको रेटिंग के आगे असाइन किया जाता है।
रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिटिकल फैक्टर को ध्यान में रखते हुए जो हाईएस्ट रेटिंग जॉब है वो है सुपरवाइज़र की, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन और असिस्टेंट की जॉब है, जबकि स्किल एफर्ट में भी हाईएस्ट जो पॉइंट दिए गए हैं वो सुपरवाइज़र को, फिर इलेक्ट्रीशियन और असिस्टेंट को दिए गए हैं। जो मेंटल एफर्ट है उसमें भी सुपरवाइज़र को हाईएस्ट पॉइंट दिए गए हैं, जबकि फिजिकल एफर्ट में इलेक्ट्रीशियन को हाईएस्ट पॉइंट दिए गए हैं एंड सुपरवाइज़र सबसे लोअर लेवल पर है। इस तरीके से फैक्टर्स का एक कंपैरिजन चार्ट क्रिएट कर लिया जाता है। तो यहाँ तक तो पॉइंट रेटिंग स्केल की तरह ये वर्क किया। इसके बाद में अन्य जॉब्स को उनके वैल्यू के अकॉर्डिंग बीच बीच में फिट कर दिया जाता है, तो इस तरीके से उनकी एक रैंकिंग तैयार हो जाती है। सो इस मेथड में पॉइंट एज वेल एज रैंकिंग मेथड दोनों का ही यूज होता है। आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल से जुड़े रहने के लिए उसे सब्सक्राइब करें और रिसेंट वीडियोस के टाइमली अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।